खबर प्रयागराज से है। माफिया दिलीप मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पीडीए ने माफिया के अवैध मार्केट पर बुलडोजर चलाया है। बिना नक्शा पास किए हुए अवैध निर्माण किया। नैनी में सरस्वती हाईटेक के सामने किया था अवैध निर्माण। फतेहगढ़ की जेल में बंद है बाहुबली दिलीप मिश्रा। यूपी और महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं दिलीप मिश्रा पर। नैनी में सरस्वती हाईटेक के सामने अवैध निर्माण किया था। फतेहगढ़ की जेल में बंद है बाहुबली दिलीप मिश्रा। पीडीए ने की है कार्रवाई। प्रयागराज से खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जब अवैध मार्केट को ढाया गया, अवैध निर्माण को ढाया गया। मनीष पालीवाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मनीष, क्या कुछ खबर? और लगातार बाहुबलियों पर, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही ये साफ संकेत दे दिया गया था कि जो भी अपराधी हैं, बाहुबली हैं, हिस्ट्री टीचर हैं, भू माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में ये कार्रवाई आज की जा रही है। इससे पहले भी दिलीप मिश्रा की संपत्ति को ढहाया जा चुका है और आज दिलीप मिश्रा की 300 वर्ग गज में बनी 3 मंजिला इमारत है, इसको ढहाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिलीप मिश्रा जो प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर लगभग 10 साल पहले हुए रिमोट बम के हमले के भी आरोपी हैं और दिलीप मिश्रा के ऊपर उत्तर प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र में भी मुकदमा दर्ज है। करीब 45 मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है। और ये जो भी अपराधी हैं, बाहुबली हैं, इन्होंने अपराध के दम पर जो भी संपत्तियां अर्जित की हैं, अब उन संपत्तियों को ढहा कर इनके अवैध साम्राज्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और आज उसी कड़ी में प्रयागराज विकास प्राधिकरण पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बाहुबली दिलीप मिश्रा के इस संपत्ति को ढहाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए।